सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर। आप लोग देखोगे एनएचपीसी में हमें प्रीवियस स्टडी सेशन के दौरान हल्की फुल्की क्राउड देखने को मिली थी, बिकॉज मार्केट में एक हैवी करेक्शन देखने को मिला था, ये एक कारण था। उसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी जो अभी के टाइम फिर मार्केट के ऊपर एक बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बड़ी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। और क्यों होने वाली गिरावट, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ भाई। बिकॉज आप लोग देखोगे इसके पीछे दो तीन बड़े कारण। एक तो जो अमेरिका के बाजार है वो बुरी तरीके से टूटते हुए नजर आए हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान, वहीं भारतीय बाजारों में भी एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो डाउ फ्यूचर है, नैसडेक फ्यूचर है, ठीक है, वहां पर भी हैवी करेक्शन है। इन सबको एक साइड में रखते हुए अगर बात करें एक और बड़े कारण की, तो वो है भाई वर्ल्ड वार की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखो वर्ल्ड वार जो है वो क्यों हो सकता है, क्योंकि आप लोग देखोगे भी ऑलरेडी दो देशों चार देशों में आपस में फाइट चल रही है। नंबर एक आप लोग देखो रूस और यूक्रेन, काफी टाइम से लड़ाई चल रही है। उसके बाद आप लोग देखोगे इजराइल और हमास। अब आप लोग देखोगे भी अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट या एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया है इजराइल के लिए, और बोला गया है कि ईरान कभी भी, आप लोग देखोगे इजराइल के ऊपर 24 आवर्स का टाइम था वैसे तो हमला कर सकता है। तो ऐसी खबरें अगर सामने आएंगी तो क्यों नहीं भाई, जो बाजार है ठीक है वर्ल्ड के बाजारों में गिरावट क्यों ना बने, क्यों ना वहाँ पर पैनिक सेलिंग हो, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोग इजराइल को क्या बोलते हैं भाई, फुल सपोर्ट दे रहा है कौन, अमेरिका भी दे रहा है। और अमेरिका ने सीधे तौर पर बोल दिया है अगर ईरान इस युद्ध में उतरता है तो तैयार रहना भी, ऐसा कुछ करके जो ना बयान गया है अमेरिका की तरफ से। तो ये टोटल अपडेट्स रही है। तो इन सबको देखते हुए आपको थोड़ा सा संभल कर मार्केट में आगे के लिए ट्राई करना चाहिए। वैसे भी भारतीय बाजारों के अंदर एक अच्छा मूव जो ना भी हमें अब देखने को मिला, एक अच्छा इवेंट आ रहा है, रिजल्ट्स आपको पता होगा, फाइनल रिजल्ट्स हैं। कंपनियां लगातार जो ना भी अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर रही है एक करके कंपनियां, ठीक है, चाहे वो छोटी कंपनियां हो चाहे बड़ी कंपनियां हो। अप्रैल और जो मई है इसके अंदर में लगातार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जिस भी कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले चैनल पर अपडेट आपको उसकी मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए भी अब देखते हैं एनएचपीसी इसके कैसे हो सकते हैं आगे के लेवल वगैरह, क्या यहाँ पर भी कोई बड़ा फॉल आ सकता है। अगर सपोर्ट पर काम करें तो किन लेवल्स के ऊपर काम करना चाहिए। इससे पहले आप लोग यहाँ देखोगे वॉल्यूम 5,39,00,000 के आसपास की वॉल्यूम भी आते हुए नजर आए। तो चलिए भाई जानते हैं डिटेल में आखिरकार क्या हो सकते हैं इसके आगे के लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा भाई पीछे हमें काफ़ी अच्छा जो मोमेंटम है इस स्टॉक में आते हुए नजर आए, काफ़ी अच्छी रैली स्टॉक में बनी। अभी 70 रुपये के आसपास स्टॉक था कुछ टाइम पहले, 71-72 रुपये के आसपास से, वहाँ से जो रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है बहुत अच्छी, 95 तक ऊपर में स्टॉक है, 95-96 के आसपास। और अभी टाइम आप लोग देख हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, उसके बाद स्टॉक में फिर से मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में 92.85 रुपये के ऊपर में सस्टेन करना जरूरी था भाई इसका, लेकिन यहाँ पर आप लोग सस्टेन नहीं किया। और इसका जो रेजिस्टेंस अभी के टाइम बनेगा वो बनेगा 95 का। अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अभी स्टॉक में अच्छे खासे जो मोमेंटम ऊपर में आ सकते हैं। नीचे में सपोर्ट पे काम करना है तो 90.40 रुपये के सपोर्ट पे काम कीजिए भाई। इसके ऊपर में स्टॉक है तो अपने होल्डिंग बनाए रखो, अगर नीचे जाता है तो एक बार प्रॉफिट लेना सही रहेगा। तो ये इसके लेवल रहेंगे। इसके अलावा और कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो भाई। और रिजल्ट से पहले आई थिंक नहीं बेचना चाहिए भाई, और मार्केट में ऐसा माहौल बनता रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो ठीक है, तो उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा जो ना भी ध्यान से चलना चाहिए। ठीक है, आगे आपकी मर्जी किस प्रकार से आप लोग आगे के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ये लेवल्स है इसके, इन लेवल्स के ऊपर फोकस करो। मैन तो 90 और 95, ये दो बेस्ट लेवल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।